पंजाब में कानून तोड़ेंगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को वार्निंग दे दी। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि कलशन कोफ लहरा कर गाड़ी के शीशे तोड़ कर क्या दर्ज दिया गया, वो वजीर आला है, कौम के बेटों को क्या दर्ज दे रहा है। जब मुंह खुले तो गलाजत और कचरे के ढेर निकले, जो जू मायने जुमले ये बोलते हैं, क्या कोई खातून इसकी तौसीक कर सकती है। गालियां देने जलाओ घिराओ के बजाय अवाम के लिए काम करें। पंजाब के अवाम को दहशत गर्द बनाने नहीं दूंगी। 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार नौजवानों का कोई पुरसान हाल नहीं। अगले साल 400 बिलियन का किसान पैकेज ला रहे हैं। वज़ीर आला खुद किसी दूसरे सूबे में हमला आवर हो, लश्कर लेकर आ जाए और पंजाब की हदूद के अंदर खुद AK-47 हवा में लहराई और शीशे तोड़ दिए उस बेचारे की गाड़ी के, ये क्या दर्स दे रहे हो कौम को। वो जो गुंडागर्दी और दहशतगर्दी का राज है अपने सूबे में, उसकी तरफ देख लो पहले। पंजाब के अवाम को दहशतगर्द बनाने चले ये मरियम नवाज नहीं होने देगी। तुम्हारे लोग सूबे के भूख और बीमारी से मर रहे हैं, उधर तवज्जो करो। तुम्हारा काम दूसरे सूबों पर लश्कर अंदाज होकर हमला करना नहीं है। पंजाब की सरहद में आके अगर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। आगे से गाली निकालनी है, जब मुंह खुले उसमें से गलाजत के ढेर आप कहना शुरू कर दें। जो आवाज़ें ये मुझे कसते हैं, जो जुमाइनी जुमले ये बोलते हैं, क्या कोई खातून इसको इंडोर्स करती। वो 9 मई के मुकदमों में जो नौजवान अंदर है ना, आज उनका पुरसान हाल कोई नहीं।